आंध्र प्रदेश सीआईडी ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया। साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके बेटे नारा लोकेश को भी हिरासत में ले लिया। बताते हैं, पूरी रिपोर्ट पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। उनके खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था। नायडू के वकील ने इस बारे में जानकारी दी है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का पता चलने के बाद सीआईडी चंद्रबाबू को मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को वहां मौजूद टीडीपी समर्थकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। समर्थकों ने पुलिस को चंद्रबाबू नायडू के वाहन के पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन सुबह के 6 बजे पुलिस ने नायडू को उनके वाहन से बाहर निकाला और गिरफ्तार किया। डीआईजी ने कहा, उन्हें एपी कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। यह भी बताया है कि यह गैर जमानती अपराध है। इस मामले में अब केवल अदालत द्वारा ही जमानत मिल सकती है। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।